Good morning, students. Today we will continue the same chapter, food and health. Yesterday we discussed about food, okay, and the nutrients. Which type of nutrients are there in our food? What is the work of those nutrients? Then we discussed about balanced diet, okay. Balanced diet means a diet which has all the nutrients in right amount. Okay, then we were discussing about food pyramid. Okay, in food pyramid, as we have discussed that fats, we should take fat 5% only. We should take protein 20% only. We should take vitamins and minerals 35% only, and we should take carbohydrates in the most amount, that is 40%. Okay, so after that we discussed about junk food. Okay, junk food naam sunte hi lalach aa jata hai. Okay, lekin uske saath saath maine ye bhi bataya ki uske harmful effects kya kya hain, kaise wo aapko nuksan karta hai, aapke health ko kaise wo kharab karta hai. To we were knowing about that, but we were avoiding those things. So after learning this chapter, we came to know that how junk foods are very unhealthy for us. Okay, today we will discuss about diseases due to food habits. There are many diseases in this world. Many types of diseases are there, but some diseases are there which are caused only because of our poor eating habits and choice of food. Okay, हम क्या खाते हैं और हमें क्या खाना ज़्यादा पसंद है और अपनी पसंद की वजह से ज़्यादा खाते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर हमारी चॉइस सही नहीं है खाने की, हमें हमेशा जंक फूड या फिर अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, तो वो हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है और ये काफ़ी सारे डिजीज़ को लीड करता है फिर. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन सारे डिजीज़ के बारे में जो रिलेटेड हैं फूड से, हमारी फूड हैबिट से. दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है, ठीक है आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो लेकिन आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, ठीक है, और आपकी डाइट बैलेंस्ड नहीं है, तो फिर आपको जो डिजीज़ होते हैं, तो वो डिजीज़ होते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, जो कि आपकी लाइफस्टाइल से की वजह से होते हैं. आप क्या खाते हो, क्या करते हो अपने डेली लाइफ में, मींस आपकी ईटिंग हैबिट क्या है, आपकी एक्सरसाइज हैबिट क्या है, ओके, आप कितना आराम करते हो, कितना सोते हो, कितना नहीं सोते हो, इन सारी चीज़ों की वजह से जो आपकी लाइफस्टाइल है, जैसे आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, उस पे बेस्ड जो उससे उसकी वजह से जो डिजीज़ होते हैं उनको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़. ओके, और कभी कभी हम ऐसी चीज़ें जो हमारी डाइट बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस डाइट हम नहीं ले रहे, तो उसमें कभी कभी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ज़्यादा ले लेते हैं और किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी. सो सम डिजीजेस आर देयर व्हिच इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी. ओके, सो लाइफस्टाइल डिजीजेस में कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं? ओबेसिटी आती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दीज diseases are caused due to our lifestyle. Okay, deficiency diseases, there are many deficiency diseases which we will discuss. Okay, now we will discuss about lifestyle diseases. Okay, we will read from the book. Lifestyle diseases caused by irregular eating habits, lack of exercise, lack of sleep, etc. are called lifestyle diseases. Okay, हम अगर हमारी irregular eating habit है, हमारी मतलब
हमारे ईटिंग हैबिट जो होती है वो रेगुलर होनी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, फिक्स टाइम पे, फिक्स अमाउंट में हमें जो है खाना चाहिए। लेकिन अगर वो हमारा रेगुलर नहीं है, कभी भी कुछ भी जो भी मैंने आया सब खा लिया, तो ये से कहते हैं इरेगुलर ईटिंग हैबिट, उसकी वजह से जो डिजीज कॉज होते हैं। डेली हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, वो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें कुछ डिजीज होते हैं। हमें डेली जो है आराम करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप और रेस्ट लेना चाहिए, वो अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है, क्या हमारी लाइफस्टाइल जो है वो सही नहीं है और उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज हमें हो रहे हैं। तो ये डिजीज़ जो हैं वो लाइफस्टाइल बेस्ड हैं। ओके, कौन कौन से? ओबेसिटी, ओबेसिटी जो है वो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है ईटिंग अनहेल्दी जंक फूड एंड फैटी फूड। ओबेसिटी मतलब मोटापा। इफ़ वी आर ईटिंग अनहेल्दी एंड जंक फूड एंड फैटी फूड एंड वी आर नॉट यूजिंग, देखो बच्चों, ईटिंग एनीथिंग इज़ नॉट हार्मफुल, बट इफ़ वी आर नॉट using the nutrients which we are getting from those food, then it will lead many diseases. Okay, हम जो कुछ भी खाते हैं, जितनी energy खा कर हम अपनी body में ले रहे हैं, उस energy को अगर हम खर्च नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं accumulate होगा हमारी body में, और जब हमारी body में accumulate होगा तो वो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आएगा। Like अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को अपने घर में स्टोर कर लें, स्टोर करते जाएं अपनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा उसको स्टोर करते जाएं, तो एक समय क्या ऐसा आएगा जो ओवर स्टोरेज हो जाएगा हमारे पास में, और फिर हमारे घर में फिर किसी और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचेगी, और वो जो है हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आएगा। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाते हैं और उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, खाते जा रहे यूज़ नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे, तो वो ओबेसिटी को कॉज करता है। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द बॉडी, आपके बॉडी में एक्सेस फैट जब एक्युमुलेट हो जाता है तब इसका ये जो है सिम्टम ये बताता है कि आप ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं और आपने जो कुछ भी खाया उसको आपने खर्च नहीं किया। ठीक है, ड्राई एंड स्केली स्किन, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी और स्केली हो जाएगी, बहुत सारे लेयर्स इस पर बन जाएंगे। ओके, सो व्हाट आर द प्रिवेंशंस ऑफ द डिजीज़ ओबेसिटी, कैसे हम ओबेसिटी से बच सकते हैं? अवॉइड जंक फूड, अवॉइड एक्सेस घी बटर एंड ऑयल, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जितने भी जंक फूड्स हैं उसको मत खाइए, एक्सेस घी बटर ऑयल मत खाइए और एक्सरसाइज करिए, उससे हमारी ओबेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़, इसके कॉजेज क्या हैं? ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी फूड हैबिट्स। ओबेसिटी जो है, अकेले ओबेसिटी, ये ओबेसिटी एक बीमारी तो है लेकिन अगर आपको ओबेसिटी हो जाती है तो ये कई बीमारियों को और अपने फ्रेंड्स बीमारियों को, डिजीज़ को अपने पास बुला लेती है। ये अकेले नहीं आती, ये अपने साथ बहुत सारे डिजीज़ को लेकर आती है। तो एक इसके साथ एक और जो डिज़ीज़ आती है वो क्या है? डायबिटीज़ के कॉजेज क्या हैं? ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेम थिंग, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो ओबेसिटी होता है, और अगर ओबेसिटी है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अनहेल्दी फूड हैबिट्स, ओबेसिटी का भी वही है अनहेल्दी फूड हैबिट, डायबिटीज़ का भी सेम है अनहेल्दी फूड हैबिट, इसमें भी यही होता है, आप जितना खाते हो उसको खर्च नहीं करते हो तो वो आपको डायबिटीज़ देता है। ठीक है, इनक्रीज थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट लॉस और वेट गेन। ठीक है, आपकी प्यास बढ़ जाएगी, आपको बार बार वॉशरूम जाना होगा, आपका वज़न या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, तो ये सारे रीज़न होते हैं डायबिटीज़, ये सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। ठीक है, इससे बचे कैसे? अवॉइड ईटिंग स्वीट्स,
स्वीट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. ईट विटामिन सी रिच फूड एंड वेजिटेबल्स. जिन सारे फूड आइटम्स में विटामिन सी होता हो उसको खाइए, वेजिटेबल्स खाइए. अवॉइड फ्राइड फूड. जितनी भी फ्राइड फूड्स हैं, हमें पता है सबको फ्राइड फूड्स बहुत पसंद है, लेकिन हमें वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. कभी कभार चलता है, लेकिन हमेशा बिल्कुल नहीं. ओके, नेक्स्ट लाइफस्टाइल डिजीज इज़ ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर, हाई सॉल्ट, व्हाट आर द कॉजेज? हाई सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट इन फूड. अगर आप बहुत ज़्यादा नमक या शुगर फूड में अपने लेते हो तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ऑयली एंड स्पाइसी फूड. अगर आप ऑयली और स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हो तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है. सिम्टम्स क्या हैं? अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है या कोई भी रीज़न हो, ब्लड प्रेशर अगर उसे प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर का, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? उसको हेडेक होगा, थकान लगेगी, बिल्कुल टायर्ड फील करेगा और हमेशा उलझन में रहेगा इंसान. ओके, देन व्हाट आर द प्रिवेंशंस? अवॉइड सॉल्टी फूड, नमक वाली जो चीज़ें, ज़्यादा नमक नहीं खाना है. अवॉइड ऑयली फूड, ऑयल वाली चीज़ें नहीं खानी. प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर आराम करना है, नींद पूरी करनी है. ईट सैलड्स एंड फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स और फ्रूट्स खाना है. ओके, दीज आर द लाइफस्टाइल डिजीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस. डिजीजेस दैट आर कॉज ड्यू टू इनसफिशियंट न्यूट्रिएंट्स इन डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. जो भी डिजीज़ जो कि किसी न्यूट्रिएंट के इनसफिशियंट होने की वजह से होता है, उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं. बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं जो हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ क्वाशियोरकर. ओके, ये एक ऐसा डिजीज़ है जो प्रोटीन की कमी से होता है. इसमें क्या होता है, आप जिसको ये डिजीज़ होता है उसके स्टमक जो है बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, लेग्स जो है स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, ग्रोथ जो है रुक जाता है और हेयर जो है आपका वो डिसकलर हो जाता है. ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स. नाउ वी विल डिस्कस अवर सोर्सेज ऑफ फूड टू ईट. अब क्वाशियोरकर से बचने के लिए कौन से फूड खा सकते हो जिससे आपको ये डिजीज़ नहीं होगा? पल्सेस खाना है, लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से हो रहा है तो जो भी प्रोटीन से भरी चीज़ें हैं वो हमें खाना है. पल्सेस, एग्स, मीट एंड फिश, दीज आर द फूड आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन. सो वी शुड ईट दीज फूड आइटम्स सो डैट वी कैन बी सेफ फ्रॉम दिस डिजीज़. ओके, नेक्स्ट इज़ मेलास्मस. ये जो डिजीज़ है ये भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है. इसका सिम्टम क्या है कि जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगा, ड्राई और रिंकल्ड स्किन हो जाएंगे, रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है वो बच्चा. तो इससे बचने के लिए जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से रिच फूड आइटम्स हैं वो खाना चाहिए, जैसे वीट हो गया, एग्स हो गया, शुगर हो गया, पोटैटोज हो गया, ये सारी चीज़ें खाने से हम मेलास्मस से बच सकते हैं. नेक्स्ट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस ये जो होता है वो लैक ऑफ विटामिन ए से होता है. अगर आपके पास विटामिन ए की आपकी बॉडी में कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. इसके सिम्टम्स क्या हैं? पुअर विजन इन डिम लाइट. अगर कम रोशनी में आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो, तो इसका मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस है. क्या क्या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से, क्या क्या फूड आइटम्स हैं जिसको खाने से हम इससे बच सकते हैं? जो भी, अगर लैक ऑफ विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है तो हमें विटामिन ए खाना है. तो विटामिन ए खाना है तो विटामिन ए डायरेक्टली तो कोई टैबलेट है नहीं जो खाएंगे, तो इस ये किस किस फूड आइटम्स में मिलता है? ये हमें कैरेट, मैंगो, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है. ओके, नेक्स्ट इज़ बेरी बेरी. बेरी बेरी इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन बी. विटामिन बी, ये इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? आपको भूख कम लगेगी, आपका वेट कम हो जाएगा, आपको नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. नर्वस डिसऑर्डर्स मीन्स कुछ
मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। विटामिन, अब इसके बचने के लिए कौन कौन से फूड खाने, विटामिन बी से रिच जो भी फूड हैं जैसे सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज स्कर्वी। स्कर्वी लैक ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी जो है वो आपके तित से रिलेटेड, मेनली तित से रिलेटेड है, बाकी भी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन मेनली तित से रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, आपकी गम से ब्लीडिंग होने लगेगी, वो जो तित है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, वेट कम होता जाएगा। तो अब इससे बचने के लिए विटामिन सी से रिच फूड खाना है हमें, और ये किस किस में होते हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, साइट्रस फूड फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज, आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स, दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन गेट द विटामिन सी। ओके, नेक्स्ट इज रिकेट्स। रिकेट्स इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। लैक ऑफ विटामिन डी, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सॉफ्ट एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, बो शेप्ड लेग्स। ओके, विटामिन इसका इससे बचे कैसे, विटामिन डी रिच फूड सच एज कॉड लीवर ऑयल, मिल्क, एग योक एक्सेट्रा। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, और बच्चों बता दूँ आपको कि विटामिन डी एक बहुत रेयर विटामिन है, ये आपको बहुत ईजिली अवेलेबल है, बिना कुछ खाए भी आपको बहुत सारे विटामिन डी मिल सकते हैं इफ़ यू विल प्ले इन सन। अगर धूप में खेलोगे तो बहुत सारे विटामिन डी आपको मिलेगा, क्योंकि सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ओके, बाकी बहुत कम फूड आइटम्स हैं जिसमें आपको विटामिन डी मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं जैसे कॉड लिवर ऑयल में, मिल्क में, योग, एग योक में, इन सब में मिलता है, तो वो खाइए और धूप में खेलिए तो देखिए आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं जो आपके बोन्स को बहुत, क्योंकि विटामिन डी जो होता है ना वो आपके बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, और अगर यही आपके बॉडी में कम हो गया तो ये आपके बोन्स को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, डिफॉर्म कर देगा, आपके बोन्स बहुत शेप बिगड़ जाएगा बोन्स का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिकेट्स में, क्योंकि इस ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट इज़ एनीमिया। एनीमिया इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयन। ओके, इसमें आपको वीकनेस होगी, थकान लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी। आयरन जो है सीधे ब्लड से रिलेटेड होता है, तो ये आपको बहुत कमज़ोर कर देता है। आयरन किस किस चीज़ में मिलता है, स्पिनच, फिक्स, जैगरीज, डेट्स, इन सब में मिलता है, तो हमें जितना भी हो पॉसिबल ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में लेनी चाहिए ताकि हमें एनीमिया ना हो। लास्ट वन इज़ गोइटर। गोइटर इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन, और इसमें क्या होता है, एनलार्ज थायराइड, थायराइड बढ़ जाएगा। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि गले में पाया जाता है, वो बढ़ जाता है। रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, आपके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है, धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो आयोडीन किस किस में मिलता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट में मिलता है, सी फूड में मिलता है। तो इन सारी चीज़ों सी आप आयोडाइज्ड सॉल्ट लीजिए या सी फूड लीजिए तो आपको लैक ऑफ आयोडीन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको गोइटर नहीं होगा। नाउ अब तो ये है जो हमें फूड आइटम्स में अपने खाना चाहिए, हमें अपने डाइट को बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा है, हम तो इतनी कोशिश करेंगे, मान लो हम अपनी फूड हैबिट्स को बहुत अच्छे से चेंज कर लेते हैं और हेल्दी हेल्दी चीज़ें ही खाते हैं, लेकिन इस समय इतना ख़राब चल रहा है कि कुछ लोग अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए हमारे हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खेल खेलते हैं। जो फूड हमें प्रोवाइड कराया जाता है, जो फूड आइटम्स हमें प्रोवाइड कराया जाता है, उसको कुछ जो यू कैन से जो कुछ बहुत लालची लोग होते हैं वो उसमें बहुत सारे गंदी चीज़ों को मिला देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये तो लगता है कि हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हेल्दी नहीं होता है, उसमें बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें मिली होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें कि फूड आइटम्स में लो क्वालिटी की चीज़ों को मिलाकर उसको ख़राब किया जाता है,
उसको कहते हैं फूड एडल्ट्रेशन. ओके, फूड एडल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हैम्परिंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाई इधर एडिशन ऑफ लो क्वालिटी मटीरियल और बाई एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल इन्ग्रीडियंट्स. एडल्ट्रेशन इज डन टू इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम्स. फूड आइटम्स की क्वान्टिटी को बढ़ाने के लिए कभी कभी लोग उसमें या तो कुछ बेकार चीज़ें मिला देते हैं या फिर जो उसके जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो वैल्यूएबल एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो इन्ग्रीडियंट्स हैं उस फूड आइटम्स के, उसको निकाल लेते हैं या तो उसमें ख़राब चीज़ें और ऐड कर देते हैं या तो उसकी अच्छी चीज़ों को निकाल लेते हैं. तो इसे कहते हैं फूड एडल्ट्रेशन. ओके, एडल्ट्रेंट मतलब क्या होता है, वो जो लो क्वालिटी चीज़ों को जो मिलाया जाता है ना फूड आइटम्स में, अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो मिलाए जाते हैं उसमें, उसको कहते हैं एडल्ट्रेंट्स. ओके, और एडिशन ऑफ एडल्ट्रेंट्स इन फूड कैन लीड टू वेरियस एलर्जीज एंड डिजीजेज. ये जो हम लोग मिलावट करते हैं, इस मिलावट की वजह से बहुत सारी एलर्जी और बीमारियां फैल जाती हैं. फूड एडल्ट्रेशन इज़ इलीगल एंड पर्सन डूइंग इट इज़ लायबल टू जेल एंड फाइन. फूड एडल्ट्रेशन भी इलीगल प्रोसेस है, जिस जो ये करते हैं उनको या तो जेल जाना होता है या तो उनके ऊपर पेनल्टी लगती है. अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मिलाते हैं लोग. जैसे अगर चिली पाउडर है, चिली पाउडर में क्या करेंगे, पाउडर्ड ब्रिक्स जो ईंट होता है ना, ब्रिक्स ईंट, उसका पाउडर जो है चिली पाउडर में मिला देते हैं. हनी में क्या करेंगे, शुगर सोल्यूशन मिला दिया. मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने बोला आपको शुगर नहीं खाना है नहीं तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आप ऐसा करिए शुगर के बजाय हनी लीजिए, और उन्होंने हनी लेना शुरू किया. लेकिन जो हनी बेचने वाला, उसने उसमें हनी के बजाय शुगर सोल्यूशन डाल दिया. सोचो उस डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर सोल्यूशन जो वो हनी समझ के खा रहे हैं वो कितना नुकसान करेगा. मिल्क डिटर्जेंट से बना देते हैं. कोरिएंडर पाउडर में जो लकड़ी का बुरादा है या भूसा है ये मिला दिया. टर्मरिक में केमिकल डाइज मिला देते हैं. घी की जगह वनस्पति दे दिया. वेजिटेबल ऑयल की जगह कैस्टर ऑयल और मिनरल ऑयल दे दिया. कैस्टर ऑयल और मिनरल ऑयल ये बहुत हार्मफुल ऑयल्स होते हैं, ये जो हैं कैंसर तक कॉज करते हैं. जिसको आप वेजिटेबल ऑयल समझ के खा रहे होते हो वो एक्चुअली में मिनरल ऑयल होता है, जो आप जो खाने वाले लोगों को कैंसर देता है. ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें बहुत सारे कलर्स और कलरिंग एजेंट्स लगा दिया जाता है. कभी कभी आप एप्पल जब खरीद कर खाते हो तो उस एप्पल में आप देखोगे कि अगर एप्पल में हल्का सा उसके स्किन पे स्क्रैच करोगे ना, बिल्कुल माइल्ड सा स्क्रैच करोगे ऊपर से, बिल्कुल कट विदाउट कटिंग द एप्पल, कट नहीं करना है, बस ऐसे हल्का सा स्क्रैच करना है नाइफ से, तो आप देखोगे उसमें से वैक्स निकलता है. एप्पल को ज़्यादा शाइनी बनाने के लिए वो उस पर वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल शाइन करता है वो, और ख़रीदने वाले को लगता है वाओ ये तो बहुत शाइनी एप्पल है, मीन्स बहुत अच्छा होगा, और उसको जो है वो लोग खरीद के खा लेते हैं और एप्पल के साथ साथ वैक्स भी खा जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी नहीं है. मोमबत्ती तो कोई नहीं खा सकता ना, उसको डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है. तो इस तरीके से हमारे फूड आइटम्स को ये लोग ख़राब करते हैं और हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.